देतो ना अध्यक्ष महोदय. बाप क्रमांक नगर विकास देतो 68 67 68. अध्यक्ष महोदय आता तुमचाही पक्ष 2001 में मालेगाव महानगर पालिका को पॉपुलेशन के आधार के ऊपर महानगर पालिका कर दिया नगर पालिका से 2001 में. और 2011 के अंदर हद्दवाड़ हुई, महानगर पालिका के 6 ग्राम पंचायत को मालेगांव महानगर पालिका के अंदर समाविष्ट कर लिया गया. 2011 से आज तक हद्दवाड़ का जो डीपी तैयार करना था, डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए डीपी यूनिट की मान्यता राज्य सरकार ने दे दी, महानगर पालिका ने ठहराव कर दी, लेकिन आज तक भी डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए हद्दवाड़ का जो डेवलपमेंट प्लान बनाना है उसके लिए डीपी यूनिट सेंक्शन हो गया, लेकिन सिर्फ मुद्दतवाड़ 6 टेम मुद्दतवाड़ हो गई, लेकिन आज तक डीपी यूनिट कोई इंजीनियर का यूनिट आया नहीं और उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ. मैं आपसे विनंती करता कि वो काम जल्द से जल्द अगर शुरू हो जाएगा तो एक नया जो गांव हमारा बसने वाला है उसके अंदर डेवलपमेंट के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे. अध्यक्ष महोदय, मालेगांव महानगर पालिका के अंदर एक आयुक्त और 2 डिप्टी कमिश्नर मालेगांव महानगर पालिका को राज्य सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन ऐसे अनेक पोस्ट है. हमारा एडीटीपी भी आज तक परमानेंट नहीं है, टाउन प्लानर परमानेंट नहीं है, हमारा सिटी इंजीनियर परमानेंट नहीं है, हमारा आरोग्य अधिकारी परमानेंट नहीं है, हमारा वहां पर ऑडिटर परमानेंट नहीं है, वहां पर हमारा प्रशासन अधिकारी शिक्षण मंडल का परमानेंट नहीं है. यानी ये सब डबल चार्ज, किसके पास 3 चार्ज है, ऐसे करके महानगर पालिका में ये लोग काम करते हैं. और इसके लिए मालेगांव महानगर पालिका की पॉपुलेशन 6.5 लाख की पॉपुलेशन है और आवाम की इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मैं विनंती करता हूँ राज्य सरकार से कि ये जितने भी हमारे जो शासन के जितने भी पोस्ट है वो जितने खाली पड़े उसके अंदर सब अधिकारी को परमानेंट पोस्ट के ऊपर आप देंगे, ऐसी मैं विनती करता हूँ. दूसरी महत्व की बात कि वहां पर 2 डिप्टी कमिश्नर है, मंत्री महोदय 2 डिप्टी कमिश्नर 1 कमिश्नर है. मैं किसके विरुद्ध में नहीं, लेकिन आज की वहां पर ऐसी परिस्थिति है कि दोनों डिप्टी कमिश्नर जब चाहे, जब वो लोग को छुट्टी डालकर वो चले जाते हैं, उनका कोई आयुक्त से नहीं जमता, कोई डिप्टी कमिश्नर से नहीं जमता, सिर्फ उनके झगड़े रोजाना चलते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहे बैठ के. वो एक छुट्टी पे जाता, दूसरा आता, दूसरा छुट्टी पे जाता. तो इसके ऊपर भी आप गंभीरता से लेकर उसका प्रश्न जो हमारा है, बहुत गंभीर प्रश्न है वो राज्य सरकार का, नगर विकास विभाग का, उसको भी जरूर आप देखेंगे. अध्यक्ष महोदय, मालेगांव महानगर पालिका 70% स्लम बस्तियां का शहर है और वहां पर एक कामगार वर्ड बहुत ज्यादा प्रमाण में रहता है. और पहले ऑक्ट्राय चलता था तो महानगर पालिका के पास पैसा आता था और कोई विकास हो जाता था, लेकिन आज जो ग्रांड के ऊपर जो हमको एलबीटी का ये ग्रांड वगैरह मिलता है उस ग्रांड के ऊपर महानगर पालिका का कामकाज चलता, उसमें हमको 50% पैसा शिक्षण मंडल को देना पड़ता है. और ये कारण से मालेगांव शहर का विकास रुक रहा है और स्लम बस्तियों का जो रोड रास्ते डीपी रास्ते है, जो रिंग रोड बनाना है, ऐसे अनेक जो समस्या हमारे सामने है. मैं विनती करता हूँ कि रोड ग्रांड कम से कम अगर आप ज्यादा देंगे तो मालेगांव शहर का विकास जरूर होगा. अध्यक्ष महोदय, बाप क्रमांक सार्वजनिक आरोग्य के ऊपर 182 188 के ऊपर बोलना है. मालेगांव शहर के अंदर 9 एकड़ जगह मालेगांव महानगर पालिका ने आरोग्य डिपार्टमेंट को हैंडओवर की थी 2006 में, जब मालेगांव शहर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था इमीडिएट, और योगायोग से उसी वक्त मैं महापौर था, हमने तुरंत में बिना मूल्य सरकार को दिया था. वहां पर एक सामान्य रोगनालय 200 बेड का बना, 200 बेड का सामान्य रोगनालय बनने के बाद भी वहां पर आज भी डॉक्टर 50% डॉक्टर नहीं है. आज वहां पर सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वहां एक्सरे मशीन नहीं है, वहां डायलिसिस की मशीन नहीं है, वहां पर सर्जन डॉक्टर नहीं है, एमडी डॉक्टर नहीं है. यानी वो हॉस्पिटल बनाने के बाद भी वहां की आवाम को उसका कोई फायदा नहीं मिलता, वहां के डॉक्टर सीधा रिफर कर देते हैं धूलिया सिविल के अंदर या नासिक सिविल के अंदर. तो मैं विनती करता हूं कि ये गंभीर विषय है और वहां पे जनता, पूरे मालेगांव शहर की नहीं बल्कि मालेगांव तालुके की जनता और 3-4 तालुके की जनता वहां पर आती है. इसके लिए अगर जितनी मशीनरी है, जितने डॉक्टर्स की कम है, वो आप अगर वहां पर पूरा कर देंगे तो मैं समझता हूं कि वहां की समस्या जरूर दूर होगी. अध्यक्ष महोदय, बाप क्रमांक महसूल 12 और 18 पे बोलना है कि हम आज महंगाई है, आज अनाज का भाव बढ़ रहा है, आज फ्रूट का भाव बढ़ रहा है, हर चीज की बात देखते बढ़ रही है महंगाई के जमाने में. लेकिन एक
सभी मैं समझता हूं कि इस सभागृह के अंदर बैठे हुए सभी लोग ये बात को सहमत होंगे कि जो महसूल डिपार्टमेंट के माध्यम से संजय निराधार योजना का जो पैसा 600 रुपये जो बुजुर्गों को मिलता है, जो विधवा को मिलता है, जो अपंग को मिलता है, जो हैंडीकैप को मिलता है, ऐसे जो 600 रुपये आज तक उनको कई बरसा बरस से 600 रुपये मिल रहा है। और बाकी आप देखिए कि कर्मचारी का पगार बढ़ जाता है, आमदारों का पगार बढ़ जाता है, बाकी अलग अलग सभी मजदूर वर्गों का पैसा बढ़ जाता है, लेकिन उनका मानधन नहीं बढ़ता और कई लोग उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। इसके लिए मैं विनती करता हूं कि ये ऐसी जितनी भी जो योजना संजय निराधार योजना है, श्रावण बाल योजना है, इंदिरा गांधी योजना है, इसके लिए 2000 रुपया आप कम से कम उसका अनुदान आप बढ़ाएंगे। और आखिर में महसूल डिपार्टमेंट का ये बोलना है, मैं बोलना चाहता हूं कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट का विषय होता है तो हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी प्रांत कार्यालय में जाना पड़ता है, तहसील में जाके नंबर लगा के उनको ओबीसी बनाना पड़ता है। अगर ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि हमारे कर्मचारी स्कूलों के अंदर जाए और वहां पर स्कूल के माध्यम से होकर उनका ओबीसी बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को इसका बहुत फायदा होगा। और आखिर में मालेगांव शहर जब अंतोले साहब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त वो 1972 के अंदर आए थे वहां पर मालेगांव, और उन्होंने मालेगांव को जिला घोषित करने का ऐलान कर दिया था। 82 में जिला घोषित करने का ऐलान कर दिया था। हमारे पीछे नंदुरबार जिला हो गया, पालघर जिला हो गया, हमारे पीछे वाशिम जिला हो गया, अनेक जिले हो गए, लेकिन मालेगांव महाराष्ट्र में मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा और महानगर पालिका है, आज तक जिला नहीं हुआ। और ऐसी सभी ऑफिसेस वहां पर जिला लेवल की मालेगांव के अंदर आ चुकी है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि मालेगांव शहर को जब भी आप सरकार का धोरण होगा जिला बनाने का, तो जरूर मालेगांव शहर को भी जिला आप बनाएंगे। और आखिर में मैं मेरी बात यहाँ खत्म करता हूँ, पशु संवर्धन के ऊपर गौवंश कायदा राज्य सरकार ने लाया, उसका पालन करना सबका कर्तव्य, कायदा बन गया, लेकिन उसका दुरुपयोग अगर कोई करता है तो मैं समझता हूं कि इस राज्य की पुलिस कर रही है। और पुलिस के हफ्ते इतने बढ़ गए हैं और इतना हरेसमेंट कुराइश बिरादरी के लोगों को दिया जाता है, अगर वो कायदेशीर भी अगर कोई कत्ल खाने के अंदर जुबा करते हैं तो पुलिस उनको बेगुनाह लोग को पुलिस जाकर जबरदस्ती तकलीफ देती है, हफ्ते मांगती है, हफ्ते नहीं देते तो झूठे केस के अंदर फंसा देती है। अभी 4 दिन पहले भी मालेगांव के अंदर कई युवकों को जबरदस्ती हफ्ते नहीं देने के कारण से उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये दुरुपयोग कम से कम जहां बंदी लगी तो पुलिस पे भी पाबंदी लगना चाहिए। मैं विनती करता हूं और जितनी डिमांड्स मैंने रखा हूं, जरूर मुझे विनती है कि राज्य सरकार एक अच्छा फैसला ले।